हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई थोड़ा सा सस्ती वाली जो मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस, एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो शोक एब्जॉर्बर मॉडिफिकेशन के ऊपर रहने वाली है। हम शोक एब्जॉर्बर के ऊपर जो है ये कुछ इस टाइप की LED स्ट्रिप लाइट लगाएंगे जो कि दो तरह की है। इसमें आपको व्हाइट कलर भी मिलेगा और येलो कलर भी मिलेगा। तो ये काफ़ी सस्ती मॉडिफिकेशन है, ये आप अपनी बाइक में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये कुछ इस टाइप की LED स्ट्रिप है। जैसे LED स्ट्रिप होती है लंबी वाली, वैसे ये छोटी छोटी है ये। और इसमें जो है डबल आपको कलर देखने को मिलेगा। एक इसमें येलो कलर का चलता है एम्बर लाइट वाला, अब वो हम जो है इंडिकेटर के लिए यूज़ करेंगे। और एक वाइट लाइट है वो हम जो है DRL के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से है। इसके पीछे आपको जो है एक 3M की ऐसे डबल टेप दिखाई देगी। और साथ ही में जो यहाँ पर ये जिप टाइज वगैरह का जो है ऐसे कुछ अरेंजमेंट बनाया हुआ है। तो ये इस टाइप से हम जो है इसको अपनी बाइक के शोक एब्जॉर्बर पर लगाएंगे, जो कि राउंड शेप में कहीं भी जो है ये लग जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी वायर भी काफ़ी लंबी है। और इसमें टोटल आपको जो है 3 वायर्स दिखाई देंगी। इसमें जो है ब्लैक कलर की वायर जो है वो ग्राउंड की है, और जो बीच वाली वायर है वो आपका इंडिकेटर की है, और जो बाहर वाली वायर है इसकी वो जो है आपके DRL के, जो कि वाइट कलर के चलेंगे। तो गैस, हम जो है शोक एब्जॉर्बर के यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो गैस, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। मैं यहाँ पर नीचे लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो अच्छे से दिखाई देगी। अगर ऊपर लगा दूंगा तो वाइजर के जो है अंदर में थोड़ा दिखेगी नहीं लाइट, इसलिए मैं इसको जो है नीचे लगाऊंगा। तो जस्ट आपको जो है इसकी जो पीछे जो 3 mm वाली जो डबल टेप है उसको जस्ट ऐसे निकालना है। तो गैस, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि जो डबल टेप है वो जो अच्छे से इसमें जो है स्टिक हो जाए। उसके बाद आप इसको जो है ऐसे चिपका के, और पीछे से जो इसकी जिप टाइज है उसको जो है आपको कुछ इस टाइप से यहाँ से पास करवा के और इसको ऐसे खींच देना है, और इस टाइप से ऐसे फिक्स हो जाएगा। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके, और इसके बाद जो इसकी वायर है उसको यहाँ से हम जो है अंदर की ओर ले लेंगे वाइजर के, और उसके बाद हम इसका जो हम कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, सेम टू सेम ऐसा ही हमें जो है दूसरी वाली इसकी जो लेग है उस पर लगा लेना है। जस्ट आपको थोड़ा सा क्लीन करना है, उसके बाद ये डबल टेप हटा के इसको चिपकाना है, उसके बाद इसकी जिप टाइज को ऐसे खींच देना है, और इसकी वायर को जो है इस टाइप से जो है वाइजर के अंदर ले लेना है। तो गाइस, अभी हमें जो है इसका वाइजर को खोल के अभी जस्ट इसका जो है कनेक्शन करना बाकी है। तो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ पहले। तो गाइस, आप देखते हैं वायर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे छील लिया है। तो गाइस, अभी मैं इसका आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो गाइस, जो ब्लैक वाली वायर है दोनों की वो जाएगी ग्राउंड में, या फिर आप जो इसको बॉडी के साथ अर्थ कर सकते हो, या फिर इसको जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा सकते हो। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइंट करके जो है किसी भी ग्रीन कलर की वायर में इसको मैं लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो इंडिकेटर की ये ग्रीन कलर की वायर है, इसको मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो जस्ट आपको जो है इस टाइप के इसका जो थिम्बल निकाल के इसके ऊपर ऐसे लपेट के इसको इसको जो है वापस ऐसे लगा देना है। तो गाइस, उसके बाद अभी हम जो है इसका जो इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, जो बीच वाली वायर है उसमें जो है इसका एम्बर लाइट चलेगा, येलो कलर की जो लाइट है वो आएगी। तो जो लेफ्ट वाला जो येलो कलर की जो लाइट होगी वो हम जो है लेफ्ट वाला इंडिकेटर के साथ लगा देंगे, और राइट की जो है राइट के साथ लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की जो वायर है वो लेफ्ट इंडिकेटर का पॉजिटिव कनेक्शन है, और जो स्काई ब्लू की वायर होती है वो राइट इंडिकेटर का पॉजिटिव कनेक्शन होता है। तो जस्ट हम जो है पहले जो इसका ऑरेंज कलर की वायर है उसके साथ इसका लेफ्ट वाले को ऐसे लपेट के ऐसे लगा देंगे वायर को, और जो इसकी स्काई ब्लू कलर की वायर है उसके साथ जो है इसका राइट वाला जो स्ट्रिप है उसकी जो पॉजिटिव का कनेक्शन, मतलब बीच वाली उसकी वायर है, उसको यहाँ पर लपेट के यहाँ पर लगा देंगे। तो गाइस, इंडिकेटर का कनेक्शन हमने अभी कंप्लीट कर दिया। अभी इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो जस्ट मैं चाबी यहाँ पर ऑन करता हूँ, और अभी इसका जो लेफ्ट वाला मैं चलाता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं अभी ये चल रहा है, और अभी मैं यहाँ पर राइट वाला चलाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये राइट वाला भी जो स्ट्रिप है वो चल रहा है। तो यहाँ पर यहाँ तक का हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जो इसका जो DRL का कनेक्शन है वो करना है। तो गाइस, DRL के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो बाहर वाली ये रेड कलर की वायर जो दो ने वो बच गई हैं, ये वाइट कलर का इसके साथ जो है DRL चलेगा। तो जस्ट आपको जो है इसको दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, और इसको जो है या तो आप जो है एक स्विच की मदद से एक स्विच ऐड करके इसको जो है लगा सकते हो, या फिर गाइस अगर आपकी जो मेन हेडलाइट है वो अगर DC पे है, मतलब वो बैटरी के ऊपर है, तब भी आप इसको जो है लगा सकते हो। अगर इंजन पे हेडलाइट है तब आप इसको जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि ये LED है और ये जो है बैटरी के ऊपर ही चलेगा। तो गाइस, यहाँ पर मेरी जो हेडलाइट है वो बैटरी के ऊपर है, तो यहाँ पर इसकी जो ब्राउन कलर की वायर होती है वो इसके पार्किंग वाले बल्ब की होती है, जो छोटा वाला यहाँ पर बल्ब होता है, तो उसका जो पॉजिटिव का कनेक्शन होता है उसकी वायर होती है ये ब्राउन कलर की। तो ब्राउन कलर की वायर के साथ इसको मैं ऐसे जो है
इसका जो है कनेक्शन कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसको मैं जस्ट करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गैस अभी मैंने इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया, अभी इसका जो वाइजर को मैं बंद करके उसके बाद मैं आपको जो है इसके कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। तो गैस कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी मैं इसका पार्किंग का बल्ब चलाता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका अभी DRL चल रहा है, और अभी मैं इसका जो इंडिकेटर है उनको भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो गैस अभी मैं DRL को बंद कर देता हूँ और इंडिकेटर को चला के देखता हूँ। तो आप देखते हैं ये अभी अच्छे से काम कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो गैस इसके मैं आपको जो है कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। तो गैस अगर आपको ये परचेज करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। सो गैस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। सो गैस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक भी करना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।